हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को असम वुड कारपेंटर चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने इस सारे चौकट का लकड़ी जो कि हमने तैयार करके रखा हुआ था, तो दोस्तों आज हम इस चौकट को जो फाइनली फिटिंग करके कंप्लीट करने वाले हैं। आप यहाँ पर तो देख सकते हैं, हमने जो इसका रैपिड कटिंग रखा हुआ है और इसके जो कि आल कटिंग करने बाकी है, और यहाँ पे इसके जो बीच की ये होल करने का काम जो ये रह गया है। तो चलिए अभी जो कि इसके जो कि आल वगैरह कटिंग आल भी कटिंग करेंगे और इसके बीच में होल करने वाला काम जो है वो भी करेंगे, और उसके ऊपर हम फिटिंग करने का काम भी करेंगे। तो चलिए पहले इसके जो कि आल कटिंग करने का काम शुरू करते हैं। तो आप लोग बने रहेगा वीडियो पे। और दोस्तों आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि दोस्तों मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है तुरंत आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये जो आल कटिंग कर रहे हैं कुछ इस तरह से ही देख सकते हैं। तो ये हमारा ये दरवाज़ा का चौकट का जो ये खड़ा वाला बटन है उसका हम यहाँ पे आल कटिंग कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो इस पर तो हम आल कटिंग करेंगे इस तरह से, और बाकी हम और इस पर ये देखिए हमने इसको आल कटिंग करके तैयार कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से, तो इस तरह से हमने इसको आल कटिंग करके तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से और हमारा तीन बटन है उस तरह कटिंग करके, और यहाँ पे देख सकते हैं ये इस पर हम होल करने वाला है। ये देखिए, तो इस तरह से हमने आल कटिंग कर लिया, उस पर हमने होल करने का है। तो यहाँ पे अभी और तीन पीस और बटन है इसका आल कटिंग करने का। तो चलिए फटाफट से आल कटिंग कंप्लीट करते हैं, इसको होल भी करने का हम वो भी करते हैं। तो आप लोग बने रहेगा दोस्तों वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने फाइनली आल कटिंग करके पूरी तरह से जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने कटिंग करके हो कर दिया है रेडी। तो हमारा आल कटिंग करने का हो चुका है। अभी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये अभी होल करने का काम जो ये रहेगा, ये बीच वाला पार्ट जो है कि इसको कटिंग करके निकालना पड़ेगा। तो चलिए अभी ये इसका ये बीच वाला पार्ट को कटिंग करके निकालेंगे, और इस सब देखिए हाफ इंची में यहाँ पे कटिंग करना पड़ेगा कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो चलिए इसका कटिंग करने का काम शुरुआत करते हैं। तो आप लोग बने रहेगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट इसके आल कटिंग करते हैं, आल नहीं इसके बीच वाला होल करने का काम कर लेते हैं, फिर उसका जो इसका सैंड पेपर भी मारना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको आल कटिंग इसका साइड वाला जो ये कटिंग कर रहा हूँ, इसको साइड का इस तरह से कटिंग करेंगे, फिर उसका जो यहाँ पे होल करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से ये बीच वाला पार्ट जिसको कटिंग करके यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो चलिए फटाफट इसको कटिंग करके निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जो इसको हल्का सा सैंड पेपर मारना पड़ेगा दोस्तों, बड़ा इसका जो कि रन्ना मारा वाला काफ़ी ज़्यादा राफ हो रखा है, तो उसको हम जो कि सैंड पेपर मारकर सही करने वाला हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो पे। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं हमने फाइनली इसका जो कि बीच पे होल करके फाइनली रेडी कर लिया। देख सकते हैं दोनों साइड में हमने होल करके रेडी कर लिया। अभी ये दूसरा वाला ये वाला पीस बाकी है। तो चलिए इसको भी इस सेम इसी तरीके से इसका भी जो है कि कट होल करके कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसका सेंटर मारेंगे। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फाइनली जो है कि इसका दोनों बटन पे भी जो कि हमने इसका कटिंग करके रेडी कर लिया। देख सकते हैं बीच में होल करके भी हो चुका है तैयार। हमने आल भी कटिंग कर लिया, इसका होल भी कटिंग हो गया है, और हम इसका साथ में इसका रैबिट भी कटिंग करके फाइनली हो चुका है तैयार। तो अब इसके चलिए इसको जो कि सैंड पेपर मारते हैं। सैंड पेपर मारकर जो कि इसको अच्छी तरह से सैंड पेपर मार लेंगे दोस्तों। सैंड पेपर मार के कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इसको फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद इसके नास का डिजाइन जो होता है वो हम रोटर मशीन से कटिंग करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम इसको सैंड पेपर मार रहा हूँ। तो दोस्तों, हम इस पर जो कि 60 नंबर का सैंड पेपर जो होता है वो मार रहा हूँ इस पर, तो हम फिनिशिंग वाला नहीं मार रहा। तो दोस्तों, इस पर ये 60 वाला मारने से भी ये भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इस पर तो बाद में फिर से कलर करने के लिए पाइमर वगैरह मारना पड़ेगा, इसलिए अभी हम जो कि रफ वाला पेपर ही मारकर छोड़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने फाइनली सारे बटन पे पेपर मारकर पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा पेपर मारकर जो कि फाइनली हो चुका है तैयार। तो दोस्तों, हमारा पेपर मार के तो हो चुका है तैयार। तो अब रह गया है जो कि हमारा फिटिंग करने का काम। तो आप लोग भी देखिए दोस्तों, मैं एक दरवाज़ा का चौकट को किस तरह से जो कि फिटिंग करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फिटिंग करने के लिए हम यहाँ पे ले लिया हूँ। तो ये ऊपर साइड वाला और ये साइड वाला हमने लेके रखा हूँ। तो चलिए इसको फटाफट से फिटिंग करते हैं। तो आप लोग भी देखिए दोस्तों, मैं किस तरह से जो कि एक दरवाज़ा का चौकट को जो है कि फिटिंग करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो होल किया वाला जगह पे यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट कर दिया, हम देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे हम जो कि इस पर कांटी लगाने वाले हैं, वो भी हम 6 इंची का दोस्तों, ये देख सकते हैं ये वाला 6 इंची कांटी। और दोस्तों, हम ये जो कांटी लगाने के लिए हम यहाँ पे होल करके थोड़ा सा और प्लास्टिक लपेट के मार रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस तरह से लकड़ी पे जो कि कांटी मारते हैं ना, तो इस तरह से प्लास्टिक को लपेट के मारा करिए, तो आपका कांटी जो कि बिना बेंड हुए ही सीधे अंदर चला जाएगी। अगर आप बिना कांटी के मारते हैं तो काफ़ी कोई कोई लकड़ी काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है, बहुत ही टाइट होता है, उसके वजह से कील मारते समय आपका जो है कि कील जो कि बिल्कुल भी अंदर नहीं जाता है, वो बेंड हो जाता है। तो इस तरह से प्लास्टिक लपेट के मारने से ना दोस्तों, आपका कील जो कि बिल्कुल भी बेंड नहीं होने वाला, सीधा अंदर चले जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे चारों कील माला चारों के चारों सीधे चले गए, एक भी बेंड नहीं हुआ देख सकते। तो इस तरह से हमारा फ्रेम तो फिटिंग हो गया दोस्तों। अभी हम यहाँ पे साइड साइड पे जो कि बीट मार देंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा
चौकट जो है कहीं भी टिरफट वगैरह हो सकता है, इसलिए हम जो कि इसको ये बीट मारा इस तरह से। पर हमारा दरवाजा का पल्ला बाद में जो कि फिटिंग करते समय एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा ना, तो हमारा दरवाजा चौकट कटिंग पल्ला जब फिटिंग करेंगे ना, तो हमारा दरवाजा का पल्ला जो कि एक साइड ज़्यादा कटिंग हो जाएगा, एक साइड कम हो जाएगा, तो भी दरवाज़ा भी देखने में ठीक नहीं लगेगा। इसका वजह से हमने ये बीट जो मारा हो, तो इस तरह से बीट मारने से दोस्तों आपका दरवाज़ा बिल्कुल फिक्स रहेगा, ये हिलडुल नहीं होगा। तो जो आप एंगल में लगा के इसको मारें तो ये बराबर में रहेगा, ये देख सकते हैं हमने इसको मार दिया। तो इसका हम इस तरह से दोनों साइड मारेंगे और उसको बताएं नीचे में चौड़ाई में भी मारेंगे। तो जैसे कि हमारा दरवाज़ा का ऊपर में हमने चौड़ाई जो 3 फीट का रखा है, तो ऊपर में 3 फीट से कितना एक सूता दो सूता आगे पीछे हो सकता है, तो सेम उसी का साइज़ में नीचे भी हम नाप के उसके बराबर में जो कि मारने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने मार कर रेडी कर दिया हूँ, अभी हमने मेजरमेंट ले रहा हूँ। तो हमारा मेजरमेंट जितना है ना 3 फीट में है दोस्तों, सेम उसी का हिसाब में हम यहाँ पे नीचे में भी मारेंगे। तो पहले हम एक साइड में किल मार लेते हैं, फिर मार के इसका मेजरमेंट करके उसके बाद जो है कि दोनों साइड मार लेंगे। तो ये देखिए हमने एक साइड मार लिया, अभी इसका मेजरमेंट ले लिया हूँ। तो इसी तरह से हम यहाँ पे किल मार कर जो कि तैयार करने वाले हैं। ये देखिए कुछ सूता फिर से दोस्तों अच्छी तरह से चेक कर लेना, कहीं अगर एक सूता इधर उधर होता तो फिर आपका पल्ला बाद में जो कि फिटिंग करते समय प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से नाप के जो कि इसको मार रहा हूँ। ये देख सकते हैं हमने मारकर रेडी कर दिया, देख सकते हैं हमारा दोस्तों, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे हमने फाइनली एक दरवाज़ा चौकट को बनाकर फाइनली पूरी तरह से जो कि कंप्लीट कर लिया। देख सकते हैं अभी यहाँ पे और 21 बाकी है, हमने एक दरवाज़ा का चौकट फिटिंग कर लिया, अभी दूसरा और बाकी है। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमने दोनों के दोनों दरवाजे चौकट को फाइनली फिटिंग करके पूरी तरह से जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से फिटिंग करके हमने यहाँ पे रख लिया है। तो दोस्तों हमारा जो कि फिटिंग करके तो हो चुका तैयार, अभी इसको जो कि इसको हम पलट के इसके दूसरे साइड में जो नास का डिज़ाइन होता है वो कटिंग करने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये रोटर मशीन ले लिया हूँ, तो इस रोटर मशीन की मदद से हम इसके नास का डिज़ाइन जो है वो कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए आप लोग बने रहे वीडियो पर, तो चलिए मैं फटाफट से इसके जो कि नास का डिज़ाइन कटिंग करके कंप्लीट करके मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों अब थोड़ा हल्का सा अप डाउन हो रहा था, तो इसको हमें जो कि सेंटर पर मार दिया थोड़ा सा, तो इसको मार के फिर हम दोबारा इसका नास का डिज़ाइन यहाँ पे कटिंग करेंगे। देखिए तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम कटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो लकड़ी है हमारे यहाँ, इस लकड़ी का नाम जो कि बोगी पोमा इस तरीके का नाम से कहते हैं इसको। तो ये हमने लकड़ी का साइज़ जो कि 6x3 इंच का लकड़ी लिया है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो कि दरवाज़ा का चौकट दोनों का दोनों फाइनली बनकर पूरी तरह से हो चुका है तैयार। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये कटिंग करके हमने इस तरह से निशान लगा दिया, क्योंकि दोस्तों ये वाला निशान जो कि हमें ये नीचे 3 इंच हमने गैप छोड़ दिया हूँ, तो ये ऊपर से लेके इस ये कटिंग के वाला निशान तक हमारा दरवाज़ा का जो कि चौकट वो पल्ला 6.5 फीट का लगने वाला है। यहाँ पे नीचे हमने 3 इंच छोड़ दिया और इसके नास का डिज़ाइन भी देख सकते हैं हमने कटिंग करके फाइनली कम्प्लीट कर लिया। तो दोस्तों हमारा दरवाज़ा का फ्रेम बनकर फाइनली पूरी तरह से हो चुका है तैयार। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा यह दरवाज़ा का फ्रेम बनाने का तरीका जो है कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि दोस्तों मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है तुरंत आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से ऐसे यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.